16 मार्च यानी शनिवार को चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रस्तावित है और देश में आम चुनाव का बिगुल बज जाएगा। आम चुनाव का महापर्व चालू हो जाएगा और सारी पार्टियां इस महापर्व में भाग लेंगी, जैसा कि आप भी जानते हैं। और क्या होगा, अगली सरकार बनाने के लिए सभी लोग अपने वोट का प्रयोग करेंगे। लेकिन महापर्व की शुरुआत के पहले अपने देश की सारी पार्टियों ने क्या रणनीति बनाई है, कैसे उन्होंने अलग अलग गठबंधन बनाए हैं, इन सब बातों पर बात करेंगे। उसके बाद अभी SBI ने इलेक्टोरल बॉन्ड बेचा, कितने दलों को बॉन्ड मिले, कितना गया क्या, यहाँ तक कि जिन्होंने बॉन्ड नहीं दिया किस परिस्थिति में लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे, इस सिचुएशन पर भी चर्चा होगी। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों पर भी चर्चा होगी और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, ये तीनों उत्तर प्रदेश में प्रत्याशियों की अभी उतनी तेजी से घोषणा नहीं कर रहे हैं, उतना ऐलान नहीं कर रहे हैं, उस पर भी बात होगी। आप अंत तक हमारे साथ बने रहें और आपको वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर भी करिए। नमस्कार, MT टॉक्सो में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज तिवारी। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि शनिवार को चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस से तारीखों का ऐलान हो जाएगा। हो सकता है 6 या 7 चरण में लोकसभा का चुनाव हो, पिछली बार भी 7 चरण में ही हुआ था। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी एक बहुत बड़ा मुद्दा आया है सामने, जिसको मीडिया उठा नहीं रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद SBI ने यह चीज़ अपनी वेबसाइट पर डाली कि कौन सी पार्टी या कौन से मतलब घरानों ने कितने का जो है बॉन्ड खरीदा। आपको बता दें, एक लिस्ट टहल रही है कि उन कंपनियों के ऊपर पहले छापा पड़ता है और वे कंपनियां जो है इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदती हैं, अब दान देती हैं, बाद में प्रोजेक्ट हथिया लेती हैं, बाद में उनको मतलब सहूलियत मिल जाती है। तो इससे आप समझ रहे हैं सहूलियत कौन देता है। विपक्ष को बॉन्ड खरीद के, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के देंगे तो थोड़ी सहूलियत देगा, सत्ता पक्ष ही देगा। जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी को अधिक से अधिक बॉन्ड मिले। यहाँ तक कि जहाँ छापा मारा गया, उस पार्टी ने जब बॉन्ड खरीदा, उसने जब बॉन्ड दे दिया तो उसको रियायत मिल गई। कई कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा और चंदा दिया, बाद में उनको लंबे लंबे प्रोजेक्ट मिल गए, ये तो सभी लोग जानते हैं। चलिए, ये तो चलता रहेगा। ऐसे भ्रष्टाचार का उजागर तब होता है जब जो है सुप्रीम कोर्ट का हथौड़ा पड़ता है। ये तो पहले हो जाना चाहिए। जनता जागरूक है कि क्या पार्टियां करती हैं। बहुजन समाज पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड किसी ने दिया ही नहीं। क्यों नहीं दिया, सबको पता है कि बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती किसी की सुनती नहीं है। अरे, उन्होंने तो अपराधियों को या आरोपियों को अपने घर से जो है गिरफ्तार करवा दिया, तो उनको इलेक्ट्रोल बॉन्ड लेना नहीं है। और वो किसी उद्योगपति की सुनेंगे नहीं, तो उनको किसी ने दिया भी नहीं। देखिए, चुनाव बहुत करीब है। किसी अब कल तो ऐलान ही हो जाएगा, शनिवार को ऐलान ही हो जाएगा। लेकिन अभी ये देखा जा रहा है, उत्तर प्रदेश के प्रत्यक्ष में एक सूची भारतीय जनता पार्टी की आई। वो सूची ऐसी आई कि जिनका नाम बहुत ज़्यादा कटना नहीं था, जिसके कटने पर कोई विरोध नहीं था। भारतीय जनता पार्टी ने एक सूची जारी कर दी। समाजवादी पार्टी ने 2 सूचियां जारी की और उसने 29 लोगों को प्रत्याशी बनाया। 17 सीटें कांग्रेस को मिली है। जब 17 सीटें कांग्रेस को मिली, उसके बाद से अमेठी और रायबरेली छोड़ दीजिए, अमेठी छोड़ दीजिए। कहने का मतलब, जहां कन्फर्म है कि कौन लड़ सकता है। इसके अलावा कांग्रेस की कोई सूची नहीं आई, समाजवादी पार्टी की कोई सूची नहीं आई, बहुजन समाज पार्टी ने भी एक लिस्ट लंबी नहीं जारी की। एक एक करके बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे। शुरुआत में जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की लिस्ट नहीं आ रही थी, तो ये कहा जा रहा था, और ये बात सही भी है, कि बहुजन समाज पार्टी को इंडिया अलायंस में लाने की तैयारी हो रही थी। सब कुछ तय हो चुका था। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती को प्रधानमंत्री पद का चेहरा भी घोषित किया जाना था, लेकिन अंत समय में 9 मार्च को इसकी घोषणा होनी थी, लेकिन कुछ कारणवश जो हो नहीं पाई। अब आदर्श आचार संहिता का इंतजार किया जा रहा था, जो शनिवार को लगेगी। अब प्रत्याशियों की लिस्ट ना आना थोड़ा संकेत ये दे रही थी,
कि हो सकता है कुछ ऐसा हो, लेकिन बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने एक एक करके प्रत्याशियों को उतारना शुरू कर दिया। अब जैसे बदायूं वाली सीट जहां से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव लड़ रहे हैं, वहां से बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। अब जब वहां से घोषित कर दिया, कन्नौज से जहां से जो है अखिलेश यादव के लड़ने की संभावना है या डिंपल यादव के लड़ने की संभावना है, जो इस समय मैनपुरी से सांसद हैं, वहां से भी बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी खड़ा कर दिया। कुंवर दानिश अली अमरोहा से सांसद थे और वो अब कांग्रेस में चले गए, बसपा के सांसद थे, वे कांग्रेस में चले गए। अमरोहा से भी जो है बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी खड़ा कर दिया। तो बहुजन समाज पार्टी ने ऐसे ऐसे प्रत्याशियों को खड़ा कर दिया है कि जिसको हटाना भी बहुजन समाज पार्टी नहीं चाहेगी, और कहने को तो क्या करेंगे, ये तो मीडिया का और विपक्ष का काम है, आरोप लगा रही है कि अरे बहुजन समाज पार्टी तो बीजेपी की बी टीम है, उसने 8 प्रत्याशियों में 5 जो है वो मुस्लिम प्रत्याशी खड़े किए हैं, 9 प्रत्याशियों में 5 जो है मुस्लिम प्रत्याशी खड़े किए हैं ताकि बीजेपी को उसका फायदा हो। ऐसा नहीं है भाई, सबकी अपनी अपनी राजनीति है, सब अपने अपने हिसाब से काम करते हैं। जब बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन में नहीं शामिल हुई तो वो अपने प्रत्याशी किसको खड़ा करेगी, इसका निर्धारण कौन करेगा? बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती करेंगी। फिर मायावती पर इस तरीके का सवाल उठाना तो एकदम से गलत है। अभी मैं आपको बता दूं कि आजकल एक ऐसी सी घटनाएं घट रही हैं जिसके बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं आपको बताऊं, बहुजन समाज पार्टी के नेता थे अंतु मिश्रा, वो मंत्री भी थे और बसपा अध्यक्ष के बहुत करीबी भी थे। उन्होंने भी सोचा चलो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर गंगा नहा लें, सब कुछ हो गया। वो लखनऊ पहुंच गए और जो है लखनऊ में उनके स्वागत के लिए कुर्सियां भी रख दी गई, बस शामिल होना था अंतु मिश्रा को। दिल्ली से एक फोन आ गया, और किसका फोन आया ये तो किसी को नहीं पता। दिल्ली से एक फोन आ गया और अंतु मिश्रा को बस भाजपा में शामिल ही नहीं कराया गया। ऐसी ऐसी घटनाएं घट जा रही है, अब आगे देखना होगा कि आचार संहिता लगने के बाद अंतु मिश्रा क्या होगा, वो भाजपा में शामिल होंगे कि कहीं और जाके टिकट लेंगे या क्या करेंगे। लेकिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं आजकल, भारतीय जनता पार्टी लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करवा रही। जो थोड़ा सा भी मतलब कहीं से किसी की फंसी है वो भारतीय जनता पार्टी में जाके नहा ले रहा है और पाक साफ हो जा रहा है। बहरहाल अभी तक बहुजन समाज पार्टी ने अपने जो है 8 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, जिसमें आगरा से पूजा अमरोही है, पीलीभीत से अनीस अहमद हैं और मुरादाबाद से इरफान सैफी हैं, कन्नौज से अकील अहमद पट्टा हैं, अमरोहा से जैसा मैंने बताया था कि डॉक्टर मुजाहिद हुसैन हैं, और सहारनपुर से माजिद अली हैं, मुजफ्फरनगर से उन्होंने दारा सिंह प्रजापति को, और बिजनौर से जाट नेता चौधरी बिजेंद्र सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। बहुजन समाज पार्टी ने स्पष्ट कर दिया कि वो जो है रायबरेली और अमेठी से भी अपना प्रत्याशी उतारी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी तो इंडिया गठबंधन में है, समाजवादी पार्टी नहीं उतारेगी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी अमेठी और रायबरेली से भी अपना प्रत्याशी उतारेगी। बहुजन समाज पार्टी इस लड़ाई को त्रिकोणीय बनाना चाहती है और वो ये संदेश देना चाहती है कि दलित मुस्लिम गठजोड़ अगर एक होता है तो वही भविष्य में भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता है, क्योंकि अखिलेश यादव की सपा में इस समय बहुत ज़्यादा लोग संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि पिछड़ा समाज गैर यादव छोड़ के पिछड़ा समाज उनके साथ कम दिखाई देता है, उस पर भाजपा का ग्लोबलाइजेशन है। लेकिन अगर अल्पसंख्यक समाज बहुजन समाज पार्टी की तरफ मूव करता है तो गैर यादव पिछड़ा समाज भी बहुजन समाज पार्टी से जुड़ सकता है, जो एक बड़ी राजनीतिक ताकत बन सकती है। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि लोकसभा चुनाव तो कुछ दलों के लिए गौर है, और उनकी नज़र जो है अगले जो है 2027 विधानसभा पर है यूपी के। चलिए आगे क्या डेवलपमेंट होगा मैं आपको उससे भी रूबरू कराऊंगा। देखते रहिए एमपी टॉक शो, दीजिए मुझे इजाज़त, धन्यवाद।